दोस्तों आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। हम लोग अभी बिहार पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं फ्रेंड्स, और देखिए 14 तारीख के डेट में एक नोटिफिकेशन आया है फ्रेंड्स, आप लोग को भी शेयर कर रहा हूँ। लिखा हुआ है फ्रेंड्स आपका कि रिगार्डिंग एक्सटेंशन इन पीटी डेट्स ऑफ सच अप्लीकेंट्स हु आर अनेबल टू पार्टिसिपेट इन पीटी ऑन शेड्यूल डेट। देखिए फ्रेंड्स, सभी को पता है कि अभी जो बिहार पुलिस का पीटी चल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं फ्रेंड्स जो 16 दिसंबर को मतलब उनका एग्जाम है फॉरेस्ट गार्ड का फ्रेंड्स, इसलिए उन्होंने कंप्लेन किया था, उन्हें आवेदन दिया था फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट किया था कि हम 16 तारीख का मेरा एग्जाम है तो पीटी में फिर कैसे जा पाऊंगा, एग्जाम मेरे छूट जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए उन लोग का है जो डेट बढ़ा दिया गया फ्रेंड्स, ठीक है, जो जिनका जिनका जिस कैंडिडेट का आपका 16 दिसंबर को फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है फ्रेंड्स, वो आराम से फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम दे सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में इनको नई डेट जारी किया गया है, उस डेट में जाकर के इनको पीटी देना था। देखते हैं फ्रेंड्स आपका, ये देखिए आपका पीडीएफ खुल रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी देखिए लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि विषय में क्या, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या इतना के अंतर्गत बिहार पुलिस संगठन में सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी की तिथि के परिवर्तन के संबंध में। तो देखिए इसका तिथि परिवर्तन कर दिया, पढ़ के सुनाता हूँ फ्रेंड्स कि विज्ञापन संख्या इतना निम्नांकित अभ्यर्थियों ने इस आधार पर अपनी शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि में परिवर्तन करने का अनुरोध किया है कि वे परिषद के विज्ञापन संख्या इतना के अंतर्गत पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग में वन रक्षी पद की नियुक्ति हेतु दिनांक 16/12/2020 को आयोजित लिखित परीक्षा के अभ्यर्थी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए जिनका 16 तारीख को एग्जाम है फ्रेंड्स और उस सेम डेट में आपका पीटी लड़ रहा था तो कैसे दे सकते थे, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए इन लोग जो किए थे फ्रेंड्स, डिमांड किए थे, मांग किए थे कि मेरा डेट बढ़ाया जाए, तो देखिए अतः इन अभ्यर्थियों की विज्ञापन संख्या इतना शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि में परिवर्तन करते हुए उनके नाम के सामने अंकित तिथि निर्धारित की जाती है। अभ्यर्थी नई निर्धारित तिथि 2/1/2021 तथा 4/1/2021, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स जो नई निर्धारित तिथि है पीटी का वो 2/1/2021 और 4/1/2021 यानी कि जनवरी महीना में फ्रेंड्स अपराहन 2:30 बजे यानी रिपोर्ट करेंगे। परीक्षण स्थल शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय पटना हाई स्कूल गर्दनीबाग पटना होगा, ठीक है। तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा की अन्य सभी शर्तें यथावत रहेगी। अभ्यर्थी का दिनांक 16/12 का प्रवेश पत्र नई निर्धारित तिथियों पर मान्य होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि जिनका 16 तारीख को फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है वो आराम से एग्जाम दे सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर सबका दिया हुआ है फ्रेंड्स, जो जो कैंडिडेट जिनका एग्जाम है वो सब जो किए थे डिमांड किए थे फ्रेंड्स, तो देखिए सबका दिया हुआ यहाँ पर नाम के साथ में, जैसे नागेंद्र कुमार है फ्रेंड्स, रोल नंबर इतना है, नई निर्धारित तिथि इनका दिया हुआ है कितना 2/1 को, ठीक फ्रेंड्स। तो आप लोग अपना नाम मिला लीजिएगा, 2 को है किन्हीं का, फिर किन्हीं का है जो 4 को रखा गया है, ठीक फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं यहाँ पर सभी का नाम, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम दिया हुआ है। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट को कितना है 2/1 को है फ्रेंड्स, और बाकी जो इनका देखिए 4/1 से दिया हुआ है। सभी को कितना बजे रिपोर्टिंग करना है वो भी टाइमिंग दिया हुआ है, 2:30 बजे आपको वहाँ अपराह्न में रिपोर्टिंग करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग जो फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं फ्रेंड्स, जो कैंडिडेट हैं वो जाकर के आराम से एग्जाम दें फ्रेंड्स। फॉरेस्ट गार्ड का प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे अभी चल रहा है फ्रेंड्स, तो प्रत्येक दिन देखते रहे फ्रेंड्स। कल आपका एग्जाम है तो आज भी मैं कोशिश करूंगा 2 प्रैक्टिस सेट आप लोग को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जानकारी देनी थी आप लोग को, आप लोग इत्मीनान से जाकर के फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम दीजिए, 16 तारीख यानी कल आपको एग्जाम है, आराम से दीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद में फिर आप पीटी दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।